आज लखनऊ में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को लेकर दूसरी जोनल कॉन्फ्रेंस हुई। उत्तर प्रदेश सरकार और दूरसंचार विभाग के इस गति शक्ति सम्मेलन का सीएम योगी ने उद्घाटन किया, जिसमें उत्तर क्षेत्र के राज्य और 19 केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके जरिए सीएम योगी ने बड़ा संदेश देने की कोशिश की। आप स्पीड देख सकते हैं, 1947 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में 1.5 एक्सप्रेसवे बने थे, कुल 1.5 एक्सप्रेसवे, और 2017 से 21 के बीच में हम वर्तमान में 6 एक्सप्रेसवे पे कार्य कर रहे हैं, जिनमें से एक कंप्लीट हो चुका है, एक अगले माह पूरा होने जा रहा है, एक को हम 2022 के मध्य तक पूरा कर लेंगे और शेष दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पूरा हो चुका है और 23 एक्सप्रेसवे पर भी युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं, जिनमें से 5 को राज्य सरकार अपने रिसोर्सेज से बना रही है और 1 पर भारत सरकार ने योगदान दिया है। एयर कनेक्टिविटी, यह वही उत्तर प्रदेश है, 24 से 25 करोड़ की आबादी के लिए हमारे प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, एक लखनऊ का और एक वाराणसी का। आज हमारे पास पिछले 5 वर्ष के दौरान हमने 9 एयरपोर्ट फंक्शनल किए, इससे पहले 2017 तक प्रदेश के अंदर जो 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे केवल 25 गंतव्य स्थलों तक उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी थी। आज हम 80 से अधिक स्थलों पर, देश और दुनिया के 80 से अधिक स्थलों पर एयर कनेक्टिविटी से उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है। 11 एयरपोर्ट पर वर्तमान पे हमारे कार्य चल रहे हैं, जिन क्षेत्रों में कोई सोचता नहीं था, हम चित्रकूट में भी एयरपोर्ट बना रहे हैं, ललितपुर में एयरपोर्ट बन रहा है, सोनभद्र में हमारा एयरपोर्ट बन रहा है। एक साल से ज्यादा का वक्त हो गया है और किसान गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए हैं। कृषि कानून की वापसी के बाद भी किसान अभी घर वापसी के मूड में नहीं है। आज गाजीपुर बॉर्डर पर अलग ही तस्वीर देखने को मिली। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को लाठी चलाना सिखाई। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि गलतफहमी में कोई नहीं रहे, कोई कहीं नहीं जा रहा है, सरकार सारी बात मान ले तो आंदोलन खत्म हो जाए, लेकिन सरकार मान ही नहीं रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि एक साल में आंदोलन की फसल तैयार हुई है। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि MSP अब नहीं तो कभी नहीं, ये हमारा नारा है।